हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आटे के मीठे पकोड़े, जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। मैंने ये गोला बोलते हैं जिसको सूखा नारियल, ये मैंने लिया है और इसको छोटे टुकड़ों में हमें कट करना है, जो मुंह में आए तो क्रंची लगे और बहुत स्वादिष्ट लगेगी इससे मीठे पकौड़ी। ये मैंने लिया है इलायची पाउडर, ये हरी इलायची पाउडर है, और मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं 2 चम्मच के करीब, 1 कटोरी चीनी है, और मैंने घी लिया है बनाने के लिए। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। हम एक नए तरीके से मीठी पकौड़ी बना रहे हैं दोस्तों, और ये बहुत स्वादिष्ट लगती है, इसीलिए ये रेसिपी मैं आपके बीच में लेके आ रही हूँ। चलिए बनाते हैं आज। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम आटा डालेंगे। ये मैंने आटा डाल दिया है। आटा डालने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं आधी कटोरी चीनी यूज करूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो कम ही यूज करें, और यदि आप चीनी ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा यूज करें। मैंने आधी कटोरी चीनी और 1 कटोरी आटा लिया है, और मैंने इसे पहले से चीनी को पानी में नहीं घोला है, इसको इसी तरीके से बनाऊंगी। देखिए आप, बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये है कॉफ़ी मग है ये, जिससे मैं पानी ले रही हूँ। ये देखिए, अब इसे हम घोलेंगे, घोल लेंगे इस तरह। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। पहले हम इसकी आटे की गुठलियों को घोलेंगे। पहले ये जो आटा है ये गाढ़ा लग रहा है, इसलिए पानी और डाल रहे हैं। इस तरह मैंने कॉफ़ी मग से, ये देखिए थोड़ा सा पानी बचा है, पूरा यूज कर लिया है। अब इसको हम घोल लेते हैं इस तरह। चलिए घोलते हैं। हमने चीनी को इसलिए पहले नहीं घोला है कि हम इसे रेस्ट करने रखेंगे, तब चीनी अच्छे से घुल जाएगी। चलिए मिक्स कर लेते हैं इस तरह। मिक्स करते हैं। चलिए तो इसको मैंने घोला, ये गाढ़ा है और चीनी हमें कम लग रही है, इसलिए मैं चीनी और यूज कर रही हूँ। इस तरह मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और 1 बड़ी कटोरी आटा लिया है। अब इसको हम पानी यूज करेंगे पहले, क्योंकि पानी हमें कम लग रहा है। जो बचा हुआ पानी है वो हम पूरा डाल देंगे। अब इसको इस तरह हम घोल लेंगे चलाते हुए, और इसके लम्स हमें ख़त्म करना है, जो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है आटे में, उसको मिक्स करते हुए घोल लेंगे इस तरह। ये देखें, इस तरह इसको घोलेंगे। चलिए घोलते हैं। ये घोल मैंने रेडी किया है। ये देखें दोस्तों, हमें इस तरह का घोल चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह का घोल चाहिए। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। चलिए डाल लेते हैं। ये नारियल है, थोड़ा सा मैंने नारियल लिया है। सफ़ेद तिल है, जो 2 चम्मच के करीब मैंने सफ़ेद तिल लिए, और 1 चम्मच में इलायची पाउडर ले रही हूँ। छोटी स्पून भर के मैंने इलायची पाउडर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम घोल के अच्छे से घोल लेंगे, इस तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। 5 मिनट बाद इसे रेस्ट करने रख रहे हैं हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। चलिए रख देते हैं। तब तक हम घी रख देते हैं कढ़ाई पे धीमी आंच में पक। देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में घी गरम करने रख दिया है, और आटे के पकोड़े का घोल रेस्ट कर रहा है 5 मिनट। तब तक हम स्लो गैस पे घी चढ़ा देते हैं, और ये भी गरम हो जाएगा जब तक। 5 मिनट हो गया है और हमारा घोल एकदम रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कोई भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम एक दिशा में 20 सेकंड के लिए इस तरह एक ही दिशा में इसको फेंटेंगे। इससे हमारे गुलगुले मुलायम और सॉफ्टी बनेंगे और अच्छे स्पॉन्जी बनेंगे, इसलिए हम इसे एक ही दिशा में इस तरह फेंटेंगे। 20 सेकंड तक मैंने इसे फेंट लिया है। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है बनाने के लिए।
चाहे तो आप इसे चम्मच से बनाइए, चाहे आप इसे बड़े वाले चमचे से बनाइए, आकार आप कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा घी गरम हो चुका है, आप ये देखिए। अभी ये फूल के ऊपर आ जाएंगे दोस्तों। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे इस समय। ये देखिए, एक बार में जितने गुलगुले घी में आ जाए उतना ही डालें, ज़्यादा डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये आपस में चिपक भी जाएंगे और दूसरा ये फूलेंगे नहीं, इन्हें फूलने के लिए जगह चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये फूलना रेडी हो गए हैं इस तरह। देखिए दोस्तों, क्या फूले फूले, और ये चिपके भी नहीं है, ये अपने आप अलग भी हो रहे हैं, ये देखिए। चलिए बना लेते हैं इस तरह हम इसको। जब ये ऊपर आ जाएंगे फूल के, तभी हम इसे चलाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल चिपके भी नहीं है एक दूसरे से। इसके इसको बनाने का तरीका यही है दोस्तों, कि आप इसे जब डालते हैं ऑयल में तो थोड़ा सा रुक के पहले एक डालिए, फिर रुक जाइए, फिर दूसरा डालिए। ये देखिए दोस्तों, इस पर स्पॉन्जी बने, एकदम फूली फूली पकौड़ियाँ बनती है जैसे। अब इन्हें हम सिकने देंगे मीडियम गैस पे। चलिए सेक लेते हैं इस तरह, अलट पलट कर देंगे। ये मैंने सभी को पलटा दिया है, ये देखे दोस्तों। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ना ज़्यादा तेज करना है और ना ज़्यादा स्लो, नहीं तो ये घी पी जाएंगे। मीडियम गैस पे ही हम इनको सेकेंगे। ये इतने स्पॉन्जी बने हैं कि देखिए फूल के दुगने हो गए। एक चम्मच बेटर डालने के बाद ये ऐसा बना है, देखिए। एक एक चम्मच मैंने एक एक चम्मच के करीब बेटर डाला था इसमें, और ये बहुत स्वादिष्ट बने हैं दोस्तों। इसको एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए, मैं तो बोलती हूँ पहले आप बनाइए उसके बाद मुझे कमेंट करिए, क्योंकि देखिए सच्चाई में ही दुनिया सच्चाई मानती है और सच्चाई को ही लाइक सब्सक्राइब करती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है दोस्तों। तो आप लोग पहले बना के खा के देखिए, उसके बाद ही मुझे लाइक सपोर्ट करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत आगे तक बढ़ा देता है दोस्तों, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें दोस्तों, मेहनत के लिए तो लाइक बनता है ना दोस्तों। चलिए अब हम निकाल लेते हैं इन्हें प्लेट में इस तरह। ये सिक चुके हैं हमारे, हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, इस बार दिखा देती हूँ। हाथ में मैंने एक स्पून के करीब बेटर लिया है, अब मैं दूसरा अभी नहीं डाल रही हूँ। ये दे इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपस में चिपक जाएंगे। अब मैं दूसरा बेटर अब डालूँगी थोड़ी देर बाद। ये देखें, देखिए ऊपर वाला फूल के आ गया ना, इसलिए चिपक नहीं रहे मेरे। मैंने सभी को इस तरह ही बनाया है, आप भी इसी तरह बनाइए। ये देखें, अपने आप ये फूल के ऊपर आएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं भी वीडियो को काट नहीं रही हूँ, पूरा देखिए आप। और गैस की फ्लेम मीडियम है इस समय। ये देखिए दोस्तों, ये अपने आप कढ़ाई छोड़ देता है, ये जो फूल के ऊपर आया इसको मैंने पलटा दिया है इस तरह। ये देखिए, ये सभी अपने आप ऊपर आएंगे और सभी आपस में चिपकेंगे भी नहीं। ये देखिए मेरा कोई भी वो आपस में चिपका नहीं है, और यदि कोई चिपका है तो वो अपने आप फूलने के बाद साइड छोड़ देगा इस तरह। ये देखिए, और कितने फूले फूले बन रहे हैं, ये देखिए आप, पहले कितने स्पॉन्जी और फूले फूले पकोड़े रेडी हो रहे हैं हमारे मीठे, और हम इसे घी में बना रहे हैं, इसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा।
अब ये एक तरफ से सिक गए, हम इन्हें पलटा देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह पलटा देंगे हम इन लोग इसको। ये देखिए अब दूसरी तरफ से भी हम ब्राउन होने तक सेक लेंगे इन्हें। चलिए सेक लेते हैं। ये सिक चुके हैं, दूसरी तरफ पलटा के देखेंगे। सिक चुके हैं, अब हम इन्हें बाहर कर रहे हैं। चलिए बाहर कर लेते हैं इन्हें, प्लेट में निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। हम इसी तरह सभी को बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। देखिए दोस्तों मेरी फूली फूली पकौड़ी रेडी है। इस तरह आप लोग ज़रूर बनाइए एक बार। इसमें हमने जो चीज़ें डाली है उसको बच्चे बूढ़े सभी बहुत पसंद करते हैं, और जब वो मुंह में आता है तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तिल का और नारियल का, जो हमने हरी इलायची डाली है उसका स्वाद तो और दुगना बढ़ जाता है पकौड़ियों का मीठी। आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए, और इसे आप 10 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये जितनी गर्म में टेस्टी लगती है उतनी ठंडी होने पे इनका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग ज़रूर बनाइए एक बार इस तरीके से। देखिए ये इतना स्पंजी बना है, ये देखिए ये देखिए, और कुरकुरे इतना है कि आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए क्रिस्पी तो इतना है कि आपको आवाज़ आएगी। ये देखिए इतना स्पंजी और कुरकुरा बनाए दोस्तों। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे आप मिर्ची के अचार से खाइए, इसका दुगना स्वाद बढ़ जाएगा दोस्तों। मैंने मिर्ची का अचार डाला, इस समय मिर्ची का अचार मेरे घर में नहीं है। आप इसे मिर्ची के अचार से खा के देखिए, इसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। आप भी कहेंगे कि क्या चीज बनी है। एक बार मिर्ची के अचार से इसको टेस्ट जरूर करिएगा, और इसे बना के खा के देखिए दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी डाली है जो बीच में आती है तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों कुछ हटके रेसिपी लेके आ रही हूँ, इसलिए मेरे मेहनत भी ज़्यादा कर रही हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि मैं अपने वीडियो में क्या नया दिखा पाऊँ। दोस्तों मेरी मेहनत को सफल बनाइए, अपना लाइक और सब्सक्राइब दे के मुझे आगे सपोर्ट करिए और बढ़ाइए। यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।